वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग जो पढ़ रहे थे द वे वी ट्रैवल SST की क्लास में, उसमें आप लोग जो है एक टॉपिक पढ़े थे कल, लैंड ट्रांसपोर्ट, जिसमें आप लोग देखे थे कि जिसमें आप लोग रोडवेज और रेलवेज जो है पढ़े थे। और आज जो है आज हम लोग करने वाले हैं एयर ट्रांसपोर्ट। तो आप लोग शायद पढ़े होंगे क्योंकि बोल दिया गया था कि आप लोग रीडिंग कर ले। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। मोस्ट ऑफ द पीपुल प्रीफर एयर ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ज़्यादातर लोग जो होते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करनी हो तो एयर ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो है ये मोड जो है, ये साधन जो है वो काफ़ी फास्टेस्ट है, यानी तेज़ गति से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाने वाला ट्रांसपोर्ट है। बट एयर ट्रैवल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन जब हम लोग ये ट्रैवलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये एयर ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं, तो ये जो है काफ़ी एक्सपेंसिव यानी महंगा होता है, वो सस्ता नहीं होता है। जैसे कि हम लोग ऑटो रिक्शा और बस में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो उसका जो आने और जाने का खर्चा होता है वो काफ़ी कम होता है, जबकि एयर ट्रांसपोर्ट का काफ़ी महंगा होता है। नॉट ओनली इज़ द फ्यूल यूज्ड इन द एरोप्लेन्स एक्सपेंसिव, बट द अदर कॉस्ट लाइक द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग एन एरोप्लेन आर ऑल्सो वेरी हाई। देखिए, केवल उसका जो हम लोग भाड़ा बोलते हैं वो उसके अकॉर्डिंग नहीं लिया जाता, जैसे कि उसमें फ्यूल है, तो जैसे किसी गाड़ी में पेट्रोल जलता है तो उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है कि यहाँ से यहाँ जाने तक इतना जो है डीजल खर्च होगा, तो उसके हिसाब से जो है वो 10-5 बढ़ा के लेता है। जो गाड़ी चलाने वाले लोग होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग पैसे लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, केवल फ्यूल का नहीं बल्कि एरोप्लेन का जो मेंटेनेंस है ना, उसका खर्चा भी ऐड कर लिया जाता है, क्योंकि आप उसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे फैसिलिटीज़ होते हैं, जिसके एसी रहेगा, है ना, तो और खाने पीने का भी व्यवस्था रहता है, तो उसके हिसाब से ये सारा चीज़ जो है ऐड करके उसका जो है प्राइस ज़्यादा होता है, यानी यहाँ से वहाँ जाने में हमें बहुत खर्च लग जाता है। एरोप्लेन्स कैन टेक अस एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एरोप्लेन्स जो है वो वर्ल्ड के किसी भी कोने तक पहुंचा सकता है आपको, चाहे जहां जाइए आप। दे कवर लॉन्ग डिस्टेंस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये क्या करता है, कम से कम समय में काफ़ी दूरी तय करता है। हेलीकॉप्टर्स आर यूज फॉर शॉर्ट फ्लाइट्स। दे हेल्प अस टू रीच प्लेस वेयर एरोप्लेन्स कैन नॉट लैंड। तो देखिए, हेलीकॉप्टर जो होता है वो एरोप्लेन से छोटा होता है, और ये उस जगह पे लैंड करता है, यानी उस जगह पे भी जा सकता है जहाँ पे एरोप्लेन लैंड नहीं कर सकता। तो इस कहीं कहीं हम लोग जो है छोटे प्लेस पे जब हम लोग लैंड करते हैं, तो हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है कार्गो प्लेन्स आर स्पेशल प्लेन्स विच आर यूज टू कैरी हैवियर गुड्स। तो कार्गो प्लेन्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान को लोड करके एक जगह से दूसरे जगह, यानी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता है। तो ये हो गया आपके एयर ट्रांसपोर्ट। तो इसमें आप लोग समझ चुके हैं, हेलीकॉप्टर पढ़े, कार्गो प्लेन्स पढ़े और एरोप्लेन्स आप लोग अभी पढ़े। तो ये आपका एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। पढ़ते पढ़ते आप लोग बीच में अटेंडेंस जो है आप अपना बना लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट। तो हम लोग अब देखेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट। नेम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये कैसा ट्रांसपोर्ट है। वाटर ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग बाई बोट्स, स्टीमर्स एंड शिप्स। पानी में चलने वाले तीन
जो है वो चीज़ें हैं, जैसे कि उसमें अगर हम ट्रैवल करें पानी के रास्ते से तो बोट्स, स्टीमर्स और शिप्स का इस्तेमाल करते हैं। द पास्ट पीपुल ट्रैवलिंग बाई सेल बोट्स, मतलब पुराने समय में लोग जो है वो सेल बोट्स का इस्तेमाल करते थे। नाउ अ डेज, इन दिनों क्या करते हैं, शिप्स, स्टीमर्स एंड ओशियन लाइनर्स आर यूज्ड, एक मिनट, एज दे कैन मूव फास्ट। तो पहले जो है वो सेल बोट्स का इस्तेमाल करते थे लोग एक जगह से दूसरे जगह आने के लिए, जाने के लिए पुराने समय में, और इन दिनों अब क्या यूज़ किया जाता है, शिप्स का, स्टीमर्स का, ओशियन लाइनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। शिप्स कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स। शिप्स जो है वो किस चीज़ को कैरी करता है, पैसेंजर को भी और गुड्स को भी, यानी सामान जो चीज़ें आती जाती है उसे भी, दोनों चीज़ों को वो क्या करता है, कैरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। गुड्स फ्रॉम पोर्ट्स टू अदर कंट्रीज, एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में। इंडिया इज सराउंडेड बाई सी ऑन थ्री साइड्स, ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तीनों साइड से क्या है, पानी ही पानी है। देयर आर 12 मेजर सी पोर्ट्स इन द इंडिया विच कनेक्टेड इंडिया टू अनदर कंट्रीज बाई सी रूट्स। तो नदी के रास्ते या जितने भी समुद्र है उसके रास्ते से जाने वाले बहुत सारे, ये जो आप देख रहे हैं साधन, शिप्स, स्टीमर्स, ओशियन लाइनर्स, तो ये सब जो है वो पानी के रास्ते से चलने वाले माध्यम है, यानी ट्रांसपोर्ट है। तो 12 जो है वो सी पोर्ट्स है जो कि क्या करता है, इंडिया जो है वो अनदर कंट्रीज से कनेक्ट करता है। तो ये रास्ते हैं जाने के लिए, और पोर्ट्स पे क्या होता है, सामान का लेन देन होता है। दिस पोर्ट्स हेल्प अस इन इंटरनेशनल ट्रेड, और ये किस चीज़ में आपको हेल्प करता है, इंटरनेशनल ट्रेड में आप हेल्प करता है, क्योंकि जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, वो रुकने की जगह होती है जहाँ पे हम लोग सामान को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, कुछ हम अपने देश में मंगाते हैं उसे लेके आते हैं और कुछ अपने देश से भेजते हैं, तो इस टाइप से इसको हम लोग बोलते हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। उसके बाद है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं इसको जो है ऑप्शंस के साथ आपको समझा देती हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा तो बन जाएगा, पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसको मैच कर लेंगे बोर्ड पर से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स रन बाय एनिमल पावर, तो एनिमल पावर से चलने वाले कौन से ऐसे वाहन हैं। तो आपके ऑप्शंस है स्कूटर, बुल्क्स कार्ट, बस, साइकिल। तो बैलगाड़ी जो है वो यहाँ ऑप्शन आपका, मैं आंसर भी साथ में बता देती हूँ, आप लोग टिक कर लीजिएगा। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है आपका सही होगा, बैलगाड़ी। ये जो है किस चीज़ से चलता है, एनिमल्स पावर से चलता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच एमोंग द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस, तो कम दूरी तय करने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। आपके ऑप्शंस है शिप्स, एरोप्लेन्स, बस और तांगा। तो मेरे ख्याल से ये तांगा होना चाहिए, घोड़ा गाड़ी, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस हम लोग का जो है वाहन बढ़ता जाता है, यानी जितने भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम हैं वो बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको हम लोग जो है सामान को भेजने और लाने में उपयोग करते हैं। तो कार है, बाइसिकल्स है, ट्रक है और स्कूटर है। तो यहाँ पे ट्रक होगा क्योंकि ट्रक से ही हम लोग सामान को भेजना और लाना इसका काम करते हैं, बाकी तीनों ऑप्शन नहीं होगा। फोर नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स हैज़ हेल्प अस इन कंट्रोलिंग द कंजक्शन ऑन द रोड्स, तो कौन सा ऐसा ट्रेन है
जो इसको कंट्रोल करता है कंजक्शन को, ये आप लोग खुद बताइएगा, क्योंकि इस पे हम लोग बहुत अच्छी तरह से चर्चा किए थे। पैसेंजर ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है और गुड्स ट्रेन्स है। इसके ऑप्शन आप लोग खुद बताइएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये भी काफ़ी ईजी है कि एक्सपेंसिव जो है महंगा ट्रांसपोर्ट कौन सा है। आपके ऑप्शन है वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, नन ऑफ दीज। तो एयर ट्रांसपोर्ट जस्ट अभी आप लोग पढ़े हैं, तो ये आंसर आप लोग के दिमाग में होगा। ये काफ़ी एक्सपेंसिव है ये दोनों ट्रांसपोर्ट से, वाटर ट्रांसपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट से। नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स, तो इसे भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर है एन एयर होस्टेस इज द ड्राइवर ऑफ द एरोप्लेन, और सेकंड है हेलीकॉप्टर आर बिगर देन एरोप्लेन। तो ये सब आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, कल हम लोग देख लेंगे कि कौन सा सही है आपका, नहीं है, आप लोग मैच कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो है वो इजी है। तो जब आप लोग ट्राई कीजिएगा तो बेहतर रहेगा, सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे तो फिर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग ट्राई कीजिएगा ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स और वन वर्ड, इतना तक आप लोग ये तीनों आप लोग ए बी सी डी जरूर बनाइएगा और कल इसे मैच कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं इसको अपने हिसाब से क्वेश्चन आंसर आप लोग का मैं करवा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही।